हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डोज एलोन मार्स टोकन के बारे में। डोज एलोन मार्स टोकन की क्या अपडेट्स हैं, कितना ऑल टाइम हाई लगा सकता है, क्या ये 2 से 3 जीरो किल कर पाएगा, क्या हमें 10 गुना से 50 गुना 100 गुना का रिटर्न दे सकता है या नहीं, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखें। डोज एलोन मार्स की प्राइस की बात की जाए तो 0.6 times $19 चल रही है एंड इसकी रैंक की बात की जाए तो 447 यानी कि 447 इसकी रैंक है। आज इसमें 0.17% का डाउन देखने को मिला है। वन मंथ का ग्राफ देखते हैं तो एक महीने में 40% का प्रॉफिट चल रहा है एंड वन ईयर में 19% का, और अगर ऑल ग्राफ देखते हैं तो अपने ऑल टाइम हाई से 10 गुना डाउन चल रहा है। इसका जो ऑल टाइम हाई था वो 0.5 times $19 का था और अभी जो प्राइस चल रही है वो 0.6 times $19 चल रही है, यानी कि 10 गुना डाउन चल रहा है। अब यहाँ पर अगर आप बाय कर लेते हैं, वैसे तो मैंने आपको पुरानी वीडियोस के अंदर काफ़ी ज़्यादा लो पर बाय करवाया हुआ है, लेकिन अगर आपने अभी तक बाय नहीं किया है और आप नए यूजर हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, तो आप डोज एलोन मार्स टोकन को बाय कर सकते हैं। ये एक ट्रस्टेड मीम टोकन है और रियल मीम टोकन है, क्योंकि 2021 के अंदर इसने काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दिया था। अगर आप यहाँ पर बाय करते हैं तो आपको 10x से लेकर 20x तक का रिटर्न आसानी से मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर बुल रन में एक न्यू ऑल टाइम हाई ये बनाएगा और जब ये न्यू ऑल टाइम हाई बनाएगा तो 10x का तो हमें ऑल टाइम हाई पर ही प्रॉफिट हो रहा है, और एक न्यू ऑल टाइम हाई जब बनेगा तो हमें लगभग चांस है कि 20x से 30x तक का भी रिटर्न डोज एलोन मार्स में मिल सकता है। मार्केट कैप की बात की जाए तो $107 मिलियन का मार्केट कैप है। 24 आवर की ट्रेडिंग वॉल्यूम $2.4 मिलियन की चल रही है। ट्रेडिंग वॉल्यूम में 7% का ग्रोथ हमें देखने को मिला है। टोटल मैक्सिमम सप्लाई की बात की जाए तो 1000 ट्रिलियन इसकी टोटल मैक्सिमम सप्लाई है एंड यहाँ पर ब्लॉकचेन की बात की जाए तो ये 4 ब्लॉकचेन को सपोर्ट करता है, पॉलीगॉन, BNB स्मार्ट चेन, क्रोनोस और सोलाना, यानी कि सोलाना ब्लॉकचेन से भी आप इसको बाय कर सकते हैं, यानी कि फैंटम वॉलेट में भी आप इसको बाय करके होल्ड कर सकते हैं, ट्रस्ट वॉलेट में भी एंड साथ ही में यहाँ पर पॉलीगॉन वॉलेट और क्रोनोस, यानी कि चारों ब्लॉकचेन को सपोर्ट करता है और काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा मीम टोकन है। मार्केट्स यानी कि कहाँ कहाँ पर लिस्ट है तो ओकेक्स पर आप इसको बाय एंड सेल कर सकते हैं, बिटगेट, कूकॉइन, होबी ग्लोबल, गेट आईओ, बिंग एक्स, क्रिप्टोकॉम एक्सचेंज, मैक्सिक ग्लोबल, बिटमार्ट, बीवॉक्स, यूनिस्वैप, एलए टोकन, कॉइन एक्स, डीजी फिनिक्स एंड काफ़ी सारे एक्सचेंज पर आप इसको बाय कर सकते हैं। इंडियन एक्सचेंज की बात की जाए तो कॉइन DCX पर, साथ में बिटमैक्स पर, मुड्रेक्स पर, साथ में सन क्रिप्टो पर बाय एंड सेल कर सकते हैं। इसके ट्विटर अकाउंट की बात करते हैं तो ट्विटर अकाउंट पर 4,64,000 फॉलोअर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ट्विटर अकाउंट वेरीफाइड है, साथ ही में अगर आपको पता हो तो इन्होंने लगभग 14 नवंबर को बर्निंग का ट्वीट किया था और इन्होंने बताया था कि यहाँ पर बर्निंग की जाएगी जिससे इसके प्राइस में काफ़ी शानदार पंप हमें देखने को मिलेगा, और पंप भी हमें देखने को मिला, लगभग 40 से 50% का पंप हमें देखने को मिला इन्होंने जब बर्न किया। यहाँ पर 18 घंटे पहले एक ट्वीट किया गया था जिसमें कॉइन टेलीग्राफ ने एक आर्टिकल लिखा है जो डोज एलोन मार्स के बारे में लिखा है, यानी कि जब ये लॉन्च हुआ था तब इसने कितना रिटर्न दिया, इसकी क्या यूटिलिटीज है, इसके क्या रोड मैप है, क्या काम करती है, किस तरह प्राइस प्रिडिक्शन होती है, यहाँ पर कॉइन टेलीग्राफ ने पूरा आर्टिकल डोज एलोन मार्स के बारे में बताया हुआ है। आप इनके ट्विटर अकाउंट पर जाकर कॉइन टेलीग्राफ का यहाँ पर जो भी आर्टिकल है उसको रीड कर सकते हैं। लेट्स स्टॉप, अब लेट स्टॉप एक कंपनी है जिसमें अगर आप बाय एंड सेल करते हैं तो वहाँ पर डोज एलोन मार्स अगर आप होल्ड करते होंगे तो वहाँ पर आपको टॉप 1000 होल्डर्स को $10 से लेकर $1000 तक का एयर ड्रॉप मिला होगा। ये सिर्फ लेट स्टॉप की तरफ से ही दिया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़्यादा कुछ खास अपडेट नहीं है। 6 दिन पहले एक ट्वीट था जिसमें इन्होंने स्पेस AMA रखा था और स्पेस AMA के अंदर
बर्निंग के बारे में इन्होंने यहाँ पर बातचीत की थी। तो हमें अभी बर्निंग देखने को नहीं मिली है, लेकिन बहुत जल्द हो सकता है एक मैसिव बर्निंग हमें देखने को मिले, जिससे इसकी प्राइस के अंदर काफ़ी शानदार पंप हमें देखने को मिल सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट जरूर करना, और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।